नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 8 उस सीरीज का। तो पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं सन 1989 तक का काल, यानी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में जो 1989 से 1998 तक का टाइम पीरियड है वो मैं डिस्कस करूंगा। अब इन 9 सालों में भारत ने 6 अलग अलग प्रधानमंत्री देखे और कोएलिशन सरकार पहली बार देखने को मिली। आई एम सॉरी, पहली बार नहीं, बट ये जो 9 साल का पीरियड है इसने कोएलिशन सरकारों को एक तरह से एंट्रेंच कर दिया। यानी भारत में इसके बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं 89 के बाद, वो सारी कोएलिशन गवर्नमेंट्स ही बनी है। 77 में भी बनी थी, कोएलिशन सरकार थी, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म थी और फिर से कांग्रेस मेजॉरिटी पावर में आ गई थी मेजॉरिटी के साथ 84 में। लेकिन 89 के बाद से इस देश में ऐसा होता गया है कि कंटिन्यूसली कोएलिशन गवर्नमेंट्स ही बन रही हैं। हालांकि 2014 में बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी ले आई थी 2014 और 2019 दोनों इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट बनी है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की है, एनडीए की सरकार है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट। तो 89 से 98 का पीरियड हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहां भारत में कंटिन्यूअस टर्म्स पूरे हो रहे थे प्रधानमंत्रियों के, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि 9 साल में 6 प्रधानमंत्री हमें देखने को मिले। तो ये 6 प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मैं पीडीएफ डायरेक्टली अपलोड कर देता हूं, वहां पे भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेनड्राइव कोर्स अवेलेबल है। 2020 सिविल सर्विसेज एग्जाम बस कुछ ही महीने दूर है, आप ये मत सोचिए कि 2020 आने में समय है। इस कोर्स के माध्यम से आप घर बैठे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए studyiq.com। तो अब मैं शुरू करता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह से। तो पिछले लेक्चर में हमने कहानी खत्म की थी कि राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले में फंस गई थी और उस बोफोर्स घोटाले को उजागर करने के पीछे जो सरकार की तरफ से पॉलिटिकली उसको रेज करने में सबसे बड़ा हाथ था वो था वीपी सिंह का। विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद कांग्रेस के एक नेता थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट में पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे उन्होंने कॉरपोरेशंस के खिलाफ, तब उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया और डिफेंस मिनिस्टर बनते ही कुछ महीनों में उन्होंने बोफोर्स घोटाले को और एक सबमरीन घोटाले को उजागर किया और राजीव गांधी के खिलाफ हो गए। फिर उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया 87 में और एक अकेला आदमी पूरे कांग्रेस पे मोर्चा खोल के बैठ गया। मतलब इन्होंने सरकार से इस्तीफा देते ही कांग्रेस के खिलाफ देश भर में घूम घूम के रैलियां करी, जबकि इनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पार्टी इन्होंने बाद में बनाई, ठीक है, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई बाद में, लेकिन शुरुआत इन्होंने अकेले करी थी। और जब ये अकेले चले तो कारवां बनता गया, लोग इनसे जुड़ते गए, कई ऑपोजिशन पार्टीज इनके साथ आ गई 89 के इलेक्शंस तक। तो ये 2 साल का टाइम पीरियड वीपी सिंह के लिए बहुत क्रूशियल था और इनकी छवि मिस्टर क्लीन की थी, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए भी इन्होंने खुद अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो इन्हें कई बार मिस्टर क्लीन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इवन प्रधानमंत्री रहते हुए भी या मंत्री रहते हुए भी पर्सनली इन पर कभी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा। तो वीपी सिंह 1989 के इलेक्शंस में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और जो सरकार बनी थी वो थी नेशनल फ्रंट की। अब नेशनल फ्रंट एक कोएलिशन था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का और इसका नेतृत्व किया था जनता दल ने। जनता दल की स्थापना करी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। पहले एक छोटा सा इन्होंने बनाया था जन मोर्चा, ठीक है, कुछ महीने जन मोर्चा रहा था, ये भी नाम याद रख लेना या लिख लेना, कभी पूछा जा सकता है कि जन मोर्चा के फाउंडर कौन थे। जन मोर्चा बाद में इन्होंने चेंज कर दिया उसका नाम कुछ महीनों बाद जनता दल, और 1989 का इलेक्शन इन्होंने जनता दल के नेतृत्व में लड़ा था और जो सारी पार्टीज इकट्ठा हुई थी उन्होंने इकट्ठा होकर बनाया नेशनल फ्रंट, जैसे अभी एनडीए और यूपीए है उस समय था नेशनल फ्रंट। तो ये इनके जनता दल का सिंबल था, ये जो पहिया आप देख रहे हैं ये वीपी सिंह की खुद की पार्टी जनता दल का सिंबल है। ये जनता दल अभी इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बार बार नाम आता जाएगा। और आगे आज जो आप देखते हैं लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है जनता दल सेक्युलर, देखिए कर्नाटका में जो है, ये सभी जनता दल इसी जनता दल के ऑफ शूट्स हैं, वो सारे नेता इनसे जुड़े हुए थे और बाद में जाकर उन्होंने अपने अपने रीजनल जनता दल बना लिए। तो आरजेडी है या फिर बीजू जनता दल हो गया, तो ये सारे जितने भी जनता दल हैं वो इसी मेन इस जनता दल से निकले हैं। तो 1989 का लोकसभा इलेक्शन देखिए, कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि इतने करप्शन स्कैंडल्स बोफोर्स घोटाला आने के बावजूद कांग्रेस 197 सीटें लाने में सफल रही। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी थी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, 282 नहीं है। तो जनता दल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी था 143 और इन्हें बाहर से सपोर्ट दिया बीजेपी ने, ये एक एस्टॉनिशिंग नंबर है। आप देखिए 1984 में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली और राम जन्मभूमि के मुद्दे को इन्होंने इतने जोर शोर से उठाया, अयोध्या मूवमेंट 1980s में जो लीड किया,
उसी की बदौलत 85 सीटें जीत कर आने में लाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी ने इन्हें आउटसाइड सपोर्ट दिया और जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं सीपीआई सीपीएम इन सब ने भी आउटसाइड सपोर्ट दिया। तो ये देश की पहली सरकार थी जिसे राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों सपोर्ट दे रहे थे। तो जनता दल को सपोर्ट था बीजेपी का और इन कम्युनिस्ट पार्टियों का भी आउटसाइड सपोर्ट था। दोनों ने कैबिनेट में हिस्सा नहीं लिया था, इन्होंने कहा कि हम कैबिनेट में हिस्सा नहीं ले सकते आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, तो बाहर से सपोर्ट दिया था। बाहर से सपोर्ट देने का ये मतलब है कि जब भी कॉन्फिडेंस वोट आएगा तो हम आपको वोट देंगे, हम आपकी सरकार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है वो मुद्दों पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको हम ब्लाइंड सपोर्ट दे रहे हैं कि आप जो भी फैसला लो वो सही है, हम आपको चैलेंज करते रहेंगे, हम ऑपोजिशन नहीं है लेकिन हम सरकार पे चेक रखेंगे। तो ये मतलब होता है बाहर से सपोर्ट देने का, और ये 90s में पूरा ट्रेंड भारत में चलता रहा है कि बाहर से कई पार्टियों ने सरकार को सपोर्ट दिया है। तो नेशनल फ्रंट की जो सरकार है उसे लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी दोनों सपोर्ट कर रहे थे। वीपी सिंह के कार्यकाल में तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो इनके कार्यकाल की हाईलाइट्स कह सकते हैं, वो है मंडल कमीशन, राम रथ यात्रा जो लाल कृष्ण आडवाणी ने करी, और अयोध्या मूवमेंट। तो देखिए, मंडल कमीशन जो है एक बहुत पुरानी रिपोर्ट थी, 10 साल पुरानी रिपोर्ट थी, उसको वीपी सिंह ने बाहर निकलवाया और कहा कि अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण देंगे केंद्रीय सरकार की नौकरियों में। और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था। 7 अगस्त 1990 को ये घोषणा करी गई, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह ने इसकी ऑफिशियली घोषणा करी, एक हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट में इन्होंने 7 अगस्त को अनाउंस किया था, एक हफ्ते के अंदर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसे अनाउंस किया था। तो मंडल कमीशन जो है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि जो अगड़ी जातियाँ हैं, जो आप जिन्हें कह सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, वो इसके बहुत खिलाफ थे और कई प्रदर्शन हुए, कई लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश करी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, जैसे राजीव गोस्वामी नाम के एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने सबसे पहले आत्मदाह किया और लगभग 63 लड़कों ने अपनी जान दे दी इन आत्मदाह के अंदर। ये मंडल कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप सरकारी रिजर्वेशन को सीधा 22.5 से लेकर जा रहे हो 49 पे, तो ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन बहुत प्रोटेस्ट होते रहे, कोर्ट केस भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, फाइनली जो रिजर्वेशन है वो स्टे किया और 27% रिजर्वेशन आज भी जारी है। तो लेकिन उस समय 3 महीने जो राजनीति है वो पूरी तरह से देश में मंडल की राजनीति गरमाई हुई थी, और उस समय मंडल और कमंडल ये दो ही टॉपिक थे राजनीति में। तो मंडल पॉलिटिक्स तो थी जनता दल की, क्योंकि जनता दल और वीपी सिंह पूरी तरह से सोशलिस्ट पॉलिसीज में बिलीव करते थे, तो उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। और ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि वीपी सिंह को पता था कि मेरी सरकार आज नहीं तो कल गिर जाएगी क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, तो उनका ये मानना था कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब मेरी सरकार का इतिहास में जब नाम दर्ज होगा तो किस टॉपिक पे होगा या फिर किस बारे में हमारी चर्चा होगी, तो वो रहेगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, 27% रिजर्वेशन देना अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कैटेगरी को। तो बिल्कुल बात सही है, आज भी जब भी वीपी सिंह का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मंडल कमीशन और 27% रिजर्वेशन ही आता है। तो दूसरा था अयोध्या में अयोध्या मूवमेंट का बढ़ना और राम रथ यात्रा जो लाल कृष्ण आडवाणी ने चलाई। तो बीजेपी जो एक तरह से सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह गवर्नमेंट का बाहर से, उनको अब कोई टॉपिक चाहिए था कि जिससे हम मंडल राजनीति से शिफ्ट हटाएं दूसरी तरफ। एक्चुअली बीजेपी के साथ उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो जो उनका वोट बैंक है वो उनसे छिन्न भिन्न हो जाता, क्योंकि जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो बहुत बड़ा वोट बैंक था, हिंदू जितने भी हिंदू वोट बैंक था उसका बहुत बड़ा पार्ट है ओबीसी वोट बैंक। तो बीजेपी के लिए ये एक पॉलिटिकल डिलेमा था कि ना तो वो उसे ओपनली सपोर्ट कर सकते थे ना ही उसे ओपनली अपोज कर सकते थे। तो इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और वो ये मास्टर स्ट्रोक था कि राम रथ यात्रा लेकर चलते हैं, अयोध्या मूवमेंट की तरफ पॉलिटिकल शिफ्ट किया जाए। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर को ये रथ यात्रा शुरू करी और 30 अक्टूबर तक ये रथ यात्रा चली थी, और प्रमोद महाजन एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके असिस्टेंट थे इस यात्रा में, उन्होंने पूरा प्लान किया था। और ये रथ क्या था, एक टोयोटा की वैन थी जिसे एक रथ का रूप दिया गया था, ये वो वैन है, और इस पर चढ़कर ही लाल कृष्ण आडवाणी पूरे पश्चिम और उत्तर भारत की इन्होंने यात्रा करी थी। सोमनाथ से निकलकर अयोध्या इसे खत्म होना था लेकिन बिहार में इसे रोक दिया गया समस्तीपुर बॉर्डर पे। तो हुआ ये कि जब ये रथ यात्रा चली और जिस भी शहर में जाती थी तो वहाँ दंगे होने शुरू हो गए, तो देश का माहौल हिंदू मुस्लिम के रूप में बहुत ज़्यादा खराब हो गया और हिंदू मुसलमान दंगे होने शुरू हो गए। जहाँ जहाँ जिस शहर से ये यात्रा गुजरती थी उन शहरों में दंगे होने शुरू हो जाते थे।
और जो ऑलरेडी 80s में अयोध्या मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के आसपास जो इवेंट्स हुए थे 1989 में, उसके कारण जो देश में माहौल ख़राब हो रहा था वो और ज़्यादा इससे बिगड़ता गया। आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि मेरा जो अयोध्या डिस्प्यूट का वीडियो है वो ज़रूर आप देखिए, उसमें आपको डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में मैंने बता रखा है पूरी स्टोरी सिर्फ अयोध्या की। यहाँ पे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ट्रैक कर रहे हैं कंट्री की, तो हम साइड ट्रैक नहीं हो सकते। एनीवेज, तो यात्रा जिस शहर से जाती वहाँ पे दंगे हो जाते, तो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर था कि इस यात्रा को रोका जाए, लेकिन वीपी सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। फाइनली इस यात्रा को रोका गया बिहार में समस्तीपुर, जो कि बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पर है। वहाँ के कलेक्टर ने आडवाणी को अरेस्ट करा, और वो कलेक्टर जो है वो है आर के सिंह, जो इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं, आगे जाके होम सेक्रेटरी भी रहे थे देश के। तो आर के सिंह ने अरेस्ट किया। बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव भी वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे भाजपा बहुत नाराज़ हो गई कि हमारी खुद की सरकार के मिनिस्ट्री ने या फिर चीफ मिनिस्टर ने आडवाणी को अरेस्ट करवा दिया है और यात्रा रोक दी। तो यात्रा का रोकना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप था। बीजेपी इससे नाराज़ हो गई और उसने नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट खींच लिया, और जैसे ही आडवाणी अरेस्ट होते हैं, तो ये बात है अक्टूबर 1990 की। तो जैसे ही बीजेपी ने अपना सपोर्ट खींचा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आना ही था। 8 नवंबर को नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है लोकसभा में, और वीपी सिंह इस वोट को हार गए 142-346 से। तो 142 वोट्स ही मिले सरकार को केवल। लेकिन वीपी सिंह ने लोकसभा में कहा कि मैंने अपना मॉरल ग्राउंड मेंटेन रखा, मैं सेक्युलरिज्म के लिए खड़ा हूँ, मैंने बाबरी मस्जिद टूटने से बचा ली। अगर रथ यात्रा कंप्लीट हो जाती अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन उस वक्त होना तय था। हालांकि 2 साल बाद वो वैसे ही हो गया, लेकिन अगर ये रथ यात्रा 1990 वाली उस समय ख़त्म हो जाती तो शायद उसी दिन 1990 में ही रथ यात्रा वाले कल्मिनेशन पे बाबरी मस्जिद टूट जाती। तो वीपी सिंह ने कहा कि मैंने अपने प्रिंसिपल्स को बनाए रखा है, और मैं सरकार, मेरी सरकार गिर जाए लेकिन मैं सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो उनके कोएलिशन पार्टनर थे चंद्रशेखर एक एक्स कांग्रेस मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1977 में इमरजेंसी के समय कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। और चंद्रशेखर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनामिक है, देखिए चंद्रशेखर और वीपी सिंह दोनों के बीच में एक राइवलरी सी थी। दोनों पार्ट थे गवर्नमेंट का, नेशनल फ्रंट के दोनों हिस्से थे, लेकिन चंद्रशेखर चाहते थे 89 में कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। 89 में वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने फेवर के 64 एमपीज को लेकर एक अलग पार्टी बना दी, यानी उन्होंने जनता दल छोड़ दिया और समाजवादी जनता पार्टी या फिर जनता दल सोशलिस्ट बनाया। 64 एमपीज को लेकर उन्होंने शपथ ली, कैसे? कांग्रेस की मदद से। आपको याद होगा कांग्रेस की 197 सीट्स आई थी, तो राजीव गांधी ने सपोर्ट दिया चंद्रशेखर को। ये है उनकी वाइफ सोनिया गांधी, ये 1990 का फोटो है। तो चंद्रशेखर एक नए प्रधानमंत्री, इस देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं 10 नवंबर 1990 को, यानी नो कॉन्फिडेंस वोट के तुरंत 2 दिन बाद ही। तो चुनाव फिर से नहीं हुए हैं, लोकसभा वही है, लेकिन प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, आप समझ गए क्यों। अब इस 6 महीने के कार्यकाल में, 6 महीने भी क्या, ये कार्यकाल तो केवल 4 महीने का था, 3 महीने का था, क्योंकि मार्च में क्या होता है कि सरकार पे आरोप लगता है कि वो राजीव गांधी, यानी जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, उन पे जासूसी करवाई जा रही है। राजीव गांधी के घर के बाहर 2 लोगों को देखा गया जो ऐसा लगा कि जासूसी कर रहे हैं। अब इस जासूसी कांड से फिर से देश की पॉलिटिक्स में बदलाव आता है, कांग्रेस अपना सपोर्ट खींच लेती है। एक्चुअली कांग्रेस ने जब सपोर्ट दिया था सरकार को तो उनका टारगेट ये था ही नहीं कि 5 साल सरकार चलानी है, वो तो बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब हम थोड़ा सा हमारे प्रति फेवरेबल कंडीशंस बने। 89 का इलेक्शन हम हारे हैं, हमारे पे करप्शन स्कैंडल्स के आरोप थे, बोफोर्स घोटाला था, चर्चा में था, कब थोड़ा सा माहौल हमारे फेवर में आए और हम सरकार से हाथ खींच लें और फिर से इलेक्शन करवाएं। तो ये मौका उन्हें मिल गया मार्च में ही, तीन चार महीने बाद ही उन्हें ये मौका मिल गया, और मार्च में चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद चुनाव होते हैं, तो देश में चुनाव होने में 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं, तो इसीलिए जून तक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे चंद्रशेखर। वैसे एक्चुअली में ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो केवल 64 एमपीज के साथ प्रधानमंत्री बनना देश में अपने आप में एक अजूबा था जो चंद्रशेखर ने कर दिखाया। उनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने आता है, वो है 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, भारत को अपना सोना जो हमारा गोल्ड है वो हमें गिरवी रखना पड़ा था, और बजट भी पास नहीं हो पाया था। 91 का जो बजट है चंद्रशेखर गवर्नमेंट पास नहीं करा पाई क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया, तो बजट जो पार्लियामेंट में पास होता है वो पास ही नहीं हो पाया। इतनी खराब आर्थिक स्थिति थी भारत की क्योंकि 80s में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। तो जब चुनाव घोषित हुए, चुनाव शुरू भी हो गया था, एक फेज इलेक्शन का हो चुका था, पहले फेज की वोटिंग है वो हो चुकी थी। उसके बाद जब सेकेंड फेज का वोटिंग के पहले प्रचार चल रहा था, तब
एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। तो राजीव गांधी की हत्या एलटीटी के लोगों ने कर दी और ये हुआ था मई में। तो मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और चुनाव थोड़े से स्थगित कर दिए जाते हैं एक महीना जितना। फाइनली जून में सरकार चुनकर आती है और कांग्रेस को इसमें जीत मिली। अब हुआ ये कि जब फर्स्ट फेज था इलेक्शन का, उस फर्स्ट फेज में कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली थी। जब बाद में रिजल्ट्स आया उसका एनालिसिस किया गया, यानी राजीव गांधी जब तक जिंदा थे तब तक तो कांग्रेस एवरेज फेयर कर रही थी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति लहर आई और कांग्रेस फिर से मेजॉरिटी पाने में सफल रहती है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, 244 सीटें हैं और 244 में सरकार नहीं बन सकती। तो इस बार कांग्रेस को भी सपोर्ट लेना पड़ा। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस किसी और का सपोर्ट लेके सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट कई सरकारों को दिया है, 79 में दिया, 1990 में सपोर्ट दिया, बाहर से सपोर्ट दिया, लेकिन कांग्रेस ने खुद किसी अन्य पार्टी का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट पहली बार कब बनाई, 1991 के इलेक्शंस के बाद। तो कांग्रेस को मिले 244 और बीजेपी ने भी अपनी टैली बढ़ा ली, 85 से 120 पे आ चुके हैं। जनता दल 69 पर सिमट कर रह गया। कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां, उनके पास भी लगभग 60 के आसपास सीट्स आई थी। तो ये एक मेजर एनालिसिस था। अब सरकार फिर से बनती है कांग्रेस की। आप देखिए पूरे देश में जो लाइट ब्लू कलर है ये कांग्रेस का है। तो कांग्रेस जीतने में सफल रही, लेकिन जो राम जन्मभूमि वाला इशू है उसके कारण गुजरात, MP, राजस्थान, UP, जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, तेलुगु बिड्डा। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गांधी परिवार से नहीं थे और जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार से नहीं थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे वैसे? लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उनका टर्म पूरा नहीं हुआ 5 साल का। पीवी नरसिम्हा राव वॉज द फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू कंप्लीट 5-year टर्म जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं थे, और ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन इवेंट था देश के लिए कि पहली बार किसी भी दक्षिण भारत के राज्य से कोई नेता प्रधानमंत्री बना है। इनके समय काल में जो 91 का क्राइसिस था वो चेंज हुआ, टर्न अराउंड हुआ, स्थिति बदली, क्योंकि इन्होंने मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और जो LPG रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, वो सभी इनके कार्यकाल में शुरू हुए। तो इन्हें कई बार आप देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था को टर्न करने का पूरा श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है, इनको और मनमोहन सिंह जी को। फिर इनके कार्यकाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। और बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन भारत के इतिहास में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये है उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी की फोटो, और आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने IMF के जो रिफॉर्म्स थे वो सारे इम्प्लीमेंट किए, वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी जिससे IMF ने हमें लोन देना वापस शुरू किया और भारत जो कि ऑलमोस्ट बैंक्रप्ट हो चुका था, इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर था, वहां से हम फिर से वापस आए। तो इसका पूरा श्रेय जाता है मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को। अब अयोध्या डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो अयोध्या डिस्प्यूट चला आ रहा है 80s में। ये स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी, काफ़ी शहरों में दंगे भी हुए थे 89-90 रथ यात्रा के समय। तो 91 वाला जो इलेक्शन था इसमें उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है? बीजेपी की। यानी उत्तर प्रदेश में राज्य में सरकार बनी बीजेपी की, चीफ मिनिस्टर बने कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह जब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कई जगह कार सेवकों पे जो पहले रोक लगाई जाती थी वो रिस्ट्रिक्शंस रोक दिए। तो धीरे धीरे जब रिस्ट्रिक्शंस हटे तो कार सेवक अयोध्या आने लगे। जुलाई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, फिर अगेन दिसंबर में कार सेवा डे डिसाइड होता है 6 दिसंबर। तो उसे रोकने के लिए कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी पूरी कोशिश करी और उन्होंने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मध्यस्थता करने की भी कोशिश करी। उन्होंने दोनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए भी बिठाया, लेकिन वो टॉक्स फेल हो गई। तो जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस का प्रधानमंत्री और भाजपा का मुख्यमंत्री, उस समय 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। जो कार सेवक थे उन्होंने इस पूरे ढांचे को तोड़ दिया। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अयोध्या डिस्प्यूट का जो वीडियो है उसे एक बार देखिए डिटेल में, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरते ही कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश में दंगे हुए। कई जगह दंगे होते हैं, बॉम्बे में उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं 93 में जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो बॉम्बे में कई लोग मारे जाते हैं। तो देश में जो कम्युनल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 92 दिसंबर से लेकर 93 तक। और इस मामले में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि देश को कम्युनल वॉरफेयर से या कम्युनल टेंशन से कैसे बाहर निकालना है। लेकिन साथ ही साथ उनकी सरकार कमज़ोर भी होती जा रही थी। क्या कारण था कि एक तो कांग्रेस में रीजनल
पार्टीज अलग होती जा रही थी, कई जगह फूट पड़ गई थी कांग्रेस में, कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर अपनी अपनी रीजनल पार्टी बना ली थी, कई स्प्लिट हो गए थे, जैसे एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी जैसे कई नेताओं ने अपनी अलग अलग पार्टीज बना ली। फिर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट भी एस्केलेट होता जा रहा था और सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। 95 तक कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गए थे और ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर था, पीवी नरसिम्हा राव सरकार का। फिर राव कैबिनेट के कई मंत्रियों पे करप्शन चार्जेस थे, लगभग 7 मंत्रियों पे करप्शन के चार्जेस थे और खुद पीवी नरसिम्हा राव पे भी चार्जेस लगे थे करप्शन के एंड में, हालांकि वो प्रूव नहीं हुए थे। लेकिन जो हवाला केस था उसमें भी कई बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम आए थे। हवाला केस, जैन डायरी केस जिसे कहा जाता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जैन डायरी केस या फिर हवाला केस, इसमें बेसिकली हवाला मनी ट्रांसफ़र किया गया था और उसमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम आया था, जिसके कारण लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के मेन लीडर बनते हैं। इसीलिए 96 में जब इलेक्शन हुए तब पार्टी को लीड कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी वॉज द मेन लीडर ऑफ बीजेपी, बट आफ्टर दिस ये हवाला कांड जब आया उसके बाद लीडरशिप में चेंज होता है। तो कांग्रेस पार्टी 95 तक काफ़ी कमज़ोर हो गई थी रीजनल स्प्लिट के कारण, करप्शन चार्जेस के कारण। तो जब 96 के इलेक्शंस आते हैं तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि हंग पार्लियामेंट थी। हंग पार्लियामेंट का मतलब कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और जो टॉप दो पार्टीज़ हैं उनके पास भी उतनी सीटें नहीं है कि वो सपोर्ट लेके भी सरकारें बना सकें। तो ये जो 11वीं लोकसभा थी इसने 3 प्रधानमंत्री दिए, 2 साल ये लोकसभा रही, 2 साल का कार्यकाल था इस लोकसभा का और उसमें 3 प्रधानमंत्री देश को देखने को मिले। 98 में फिर से चुनाव होते हैं, तो जब 96 के इलेक्शन होते हैं किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो आप एक बार इसको देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ध्यान देना। नेशनल फ्रंट जो है, नेशनल फ्रंट वही जनता दल वाला, उनके पास आई है 79 सीट्स, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट के पास हैं टोटल आप देखिए 52 सीट्स। उसके बाद जो बीजेपी एफिलिएटेड पार्टीज हैं उनको मिली हैं 26 सीटें, बीजेपी को खुद को मिली हैं 161। तो ये अगेन बीजेपी अपनी टैली ऊपर लेके गई है 161 पे। तो वैसे आप देखेंगे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को मिली है 140, लेकिन 161 के साथ भी भाजपा दूसरी पार्टियों का सपोर्ट नहीं ला पाई। 161 और 26, भाजपा 200 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को ही बुलाया गया प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए और उन्हें 13 दिन दिए गए राष्ट्रपति द्वारा कि आप बहुमत प्रूव कीजिए, लेकिन 13 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं बहुमत नहीं ला पा रहा हूँ और हमें 200 से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 200 से ज़्यादा एमपी का। तो ऐसे में 13 दिन की सरकार रही और अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। ओके, अब किसकी बारी आती है, आप देखो अब बारी आती है, फिर से एक अलग फ्रंट बनेगा। कौन सा फ्रंट बनेगा? इसका नाम है यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट जो है वही जनता दल वाली पार्टीज हैं। तो इन पार्टीज ने मिलकर एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनाने की ठानी, लेकिन इनके पास भी इतने नंबर्स नहीं है कि ये बिना कांग्रेस बिना भाजपा के सपोर्ट के सरकार बना लें। तो फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज निकाला गया कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी इन पार्टीज को, नेशनल फ्रंट, जनता दल, इन सभी को, लेफ्ट पार्टीज को, इनको सब इनके सपोर्ट से सरकार बनेगी। तो नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा गवर्नमेंट बनती है लेकिन विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। तो अगेन बिना कांग्रेस के सपोर्ट के पार्टी सरकार नहीं बन सकती है और एच डी देवेगौड़ा को एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की तरह प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि आप जो चाहते हैं हम उन्हें मंत्री प्रधानमंत्री बनते नहीं देख सकते, ठीक है। तो एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। दोनों कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे, एचडी देवेगौड़ा और बाद में इंद्र कुमार गुजराल। तो एचडी देवेगौड़ा जो कि कर्नाटक से आते थे, जनता दल के मेंबर थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और ये प्रधानमंत्री रहे 1 साल से भी कम समय, 1 जून से लेकर 21 अप्रैल 1997, 1 साल से भी कम का समय था ये एचडी देवेगौड़ा का था कार्यकाल। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस फिर से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम एचडी देवेगौड़ा की पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, हमसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, चाहे हम आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं लेकिन आप हमसे कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट खींच रहे हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट फिर से एक साथ बैठते हैं और कहते हैं कि चलिए नया प्रधानमंत्री चुन लीजिए लेकिन इलेक्शंस मत करवाओ। फिर से इलेक्शन करवाओगे देश पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, इलेक्शंस अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगेन नया प्रधानमंत्री देखने को मिलता है देश को और वो हैं इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल जो कि अगेन जनता दल के लीडर हैं और एचडी देवेगौड़ा के मंत्रालय में जो मंत्रिपरिषद थी उसमें वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हें बनाया जाता है प्रधानमंत्री। ये भी 1 साल से कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं, 21 अप्रैल से 19 मार्च। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था नवंबर में, यानी 21 अप्रैल से नवंबर 1997 तक ही ये प्रधानमंत्री रहे थे। इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था, अगेन कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया। तो 98 में इलेक्शंस होते हैं। तो ये कहानी थी 11वीं लोकसभा की। तो यूनाइटेड फ्रंट की जो गवर्नमेंट है इसमें इंटरनल टेंशंस थी, कई अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पार्टीज़ थी, उनके मत एक नहीं थे, किसी की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग थी, किसी की सोशल पॉलिसी थी। तो इसीलिए
कोई फ्री मार्केट पे एग्री कर रहा था, कोई मार्क्सिस्ट पॉलिसी लाना चाहता था, तो दो साल तक ये कोएलिशन बनाकर रखना सरकार के लिए बहुत भारी था, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल टास्क था और ये सस्टेन नहीं हो पाया। तो दो साल में दो प्रधानमंत्री अलग अलग देखे गए और उसके बाद फाइनली ये गवर्नमेंट गिर जाती है, पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं 1998 में। और इसकी कहानी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बनकर आएंगे प्रधानमंत्री। स्टडी आईक्यू की ऐप पॉकेट न्यूज़ अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो उसे डाउनलोड कीजिए, करंट अफेयर्स आपको इसमें तुरंत आप कन्वीनियंटली करंट अफेयर्स इसमें से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।